और स्क्रीन पे सलमान भाई आ गए रेड टी-शर्ट। ऐसे होते हैं सलमान खान जी के डाई हार्ड फैंस। किक में है जगत भाई सलमान भाई, टैलेंट विच इज सो ऑसम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सिर्फ एक इमोशन आता है मुझे, रणदीप हुडा, वेरी ब्यूटीफुल जैकलीन, आई मीन जैकलीन फर्नांडिस। और मैं सिर्फ एक आइटम नंबर के लिए आई हूँ, नरगिस फाखरी, जो कि उदय चोपड़ा को डेट करती थी पहले। क्या क्या क्या, आई नो दैट्स रियली सैड। मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। सही कह रहे हैं सलमान भाई, ऐसी कई बातें हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आती, जैसे कि लड़के रात को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके ये क्यों पूछते हैं, बेबी खाने में क्या खाया। कई महिलाएं कैट डॉग बेबी का वीडियोस इंटरनेट पे देख के ये क्यों बोलती हैं, आ सो क्यूट। और किक की स्टोरी जो कि थिएटर में आई है, समझ में नहीं। लेकिन 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 एक ट्विस्ट है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जाइए और किक देखिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये 110% मसाला पैसा वसूल मूवी है। सलमान भाई की कॉमिक टाइमिंग गजब, जैकलिन फर्नांडिस इज लुकिंग गजब, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग भाई वाओ वाला गजब है। इस इंसान के पैर पकड़ लो, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग एक्टर है ये। पर ये मूवी उन लोगों के लिए नहीं है जो आपको ट्विटर पे कुछ ये सब कहते हुए मिलेंगे। मैं 24 घंटे ट्विटर पे रहता हूँ एंड आई ओनली वॉच इंटेलिजेंट सिनेमा। सर किस टाइप का सिनेमा? यू नो इंटेलिजेंट सिनेमा, जैसे कि अनुराग कश्यप, वो लंबे बाल वाले कौन है, वो इम्तियाज अली, हाँ वही इम्तियाज अली एंड दबाकर बैनर्जी, क्योंकि यू नो इट्स ऑल अबाउट ऑफ, क्योंकि मूवीज अच्छी या बुरी होती हैं इंटेलिजेंट या डम नहीं। मेरे अलावा फर्स्ट फर्स्ट शो किक देखी इन्होंने, सर आपकी बातें सुनाई आती हैं लेकिन समझ में नहीं। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, नहीं तो फन करेंगे। आप क्या सोच रहे थे? सी यू 93.5 रेड एफएम।